गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज को बांटने का दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। वह सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वे जब भी बोलते हैं दुर्भावना ही फैलेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आदिवासी नेताओं को आगे न बढ़ने देने का आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ना तो विश्व हिंदू परिषद है, ना ही बजरंग दल और ना ही RSS है, फिर वहां क्यों लड़ाई हो रही है? लेकिन भारत में दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। कांग्रेस की दोमुही नीति एक बार फिर खरगोन में सामने आ गई। एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासी बोलना चाहिए और दूसरी तरफ आदिवासियों को सबसे बड़े नेता कांतिलाल भूरिया को कमलनाथ के मंच पर बोलने से रोक दिया गया। यह पहली बार नहीं है अब आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी में ही आगे बढ़ने से रोका गया हो। ऐसा शिव भानु सिंह सोलंकी से लेकर उमंग सिंगार और कांतिलाल भूरिया तक लगातार हो रहा है, जब उन्होंने बोलने से उन्हें रोका गया और आगे बढ़ने से भी रोका गया है। मैंने कल ही कहा था कि वो सद्भावना सम्मेलन नाम का है, दिग्विजय सिंह जी बोलेंगे तो दुर्भावना ही फैलेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्जन को मुख बामही निकसत वचन भुजंग, जाकी औषधि मौन है विस्मय व्यापक अंग। RSS यहाँ पे लड़ा रही है भाई भाई को, तो अफगानिस्तान में भाई भाई को कौन लड़ा रहा है? वहां तो RSS नहीं है, वहां विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है, वहां बजरंग दल भी नहीं है। पाकिस्तान में कौन लड़ा रहा है? न तो वहां RSS है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल है। यहां पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, इसलिए ये लड़ाए जा रहे हैं। हम समाज को बांटने का इन्होंने ऐसा लगता है जैसे बीड़ा उठा लिया। अचंभा ये नहीं है कि कांतिलाल जी को बोलने नहीं दिया, ये कांग्रेस की पहली बात नहीं है। अचंभा ये कमलनाथ जी कह रहे थे उसी मंच पर कि आदिवासी अगर बोलने लगे, ये इनकी दोमुही नीति है। जनजाति के सबसे बड़े नेता को बोलने नहीं दिया मंच पर, विजुअल फुटेज टीवी पर चलते दिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये, ऐसे ही कभी दिग्विजय सिंह जी ने बुआ जी को नहीं बोलने दिया। अभी उमा सिंगार बोले थे 15 महीने के कार्यकाल में, तो उनको दबा दिया। सिम्भान सिंह सोलंकी जी को नहीं बनने दिया, अर्जुन सिंह जी को बना दिया। तो ये अब जनजाति के सारे लोग समझने लगे हैं, आदिवासी लोग सब समझने लगे हैं इस बात को कि कांग्रेस की ये दो मुहिम नीति है। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।